संग हाओ। जय संग हाओ। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं ये डाक टिकट मापो, ठीक है। सब बच्चों ने डाक टिकट देखे हैं, ठीक है। जो कहाँ लगे होते हैं डाक टिकट, ये जो चिट्ठी आती है, चिट्ठियों पे लगे होते हैं ना, अलग अलग डिनोमिनेशन के, मतलब अलग अलग रुपए के। देखो ये कितने रुपए का है वाला, पाँच, दो, पच्चीस पैसे, पिचहत्तर पैसे, साठ पैसे, दो रुपए का, ठीक है। अब देखो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए इन्होंने, ठीक है। डाक टिकट ए एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। अब पहले डाक टिकट ए देखो, कौन सा डाक टिकट ए, ये ठीक है डाक टिकट ए। अब वो बोल रहा है कि डाक टिकट ए एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। अब उससे पहले उन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, डाक टिकट डी 12 वर्गों को ढक रहा है, हर वर्ग का किनारा एक सेंटीमीटर का है, इसलिए डाक टिकट डी का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्या है। अब ये बताओ कि जो डाक टिकट ए है वो कितने वर्गों को घेर रहा है। 18। तो यहाँ पे कितना लिखना है हमने, 18, ठीक हो गया। और डाक टिकट बी, डाक टिकट बी आठ, कितना हो गया 8। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, 80। तो कौन सा है वो, ए। यह डाक टिकट एक सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है ना ए वाला, कितने वर्गों को ढक रहा है वो, 18। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 18। क्या, क्योंकि जब हम 18 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसकी जो यूनिट होगी, तो यूनिट हमेशा उसकी क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर। देखो मैंने तुमको दो चीज बताई थी पहले, एक हमने परिमाप बताया था और एक है क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल में क्या होता है अंतर। परिमाप क्या होता है, बाहर की लंबाई और चौड़ाई। मतलब अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो कितना होगा इसका परिमाप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 12 और 14, बताओ 12, 3, 15 और 3 इधर 18। तो कितना हो गया 18 यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो परिमाप है, परिमाप की तो सेंटीमीटर होगी और जो क्षेत्रफल है उसकी क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप में तो सिर्फ हमने बाहर का नापा, जबकि क्षेत्रफल में तो हमने अंदर के बॉक्स भी नापे ना, ठीक है। तो इसलिए उसकी क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है, एक जैसा मतलब जिनमें बराबर बराबर बॉक्स वो घेर रहे हैं, डी और डी एंड एफ। हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, हर एक डाक टिकट का क्षेत्रफल बताना है ना हमको। अब हम इसका बताओ पहले कितना है, 18। इसका, इसका है 18 12। इसका 4, 8, 6 और इसका 12। यूनिट क्या है इनकी सबकी, सीएम। यूनिट बताओ, हाँ वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सबकी वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है, 4। ये सूत्र हो गया। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर कितने वर्ग सेंटीमीटर का है, बताओ अंतर सबसे बड़े और सबसे छोटे में, 16। कितना, 18 में से 4 घटा के कितना आएगा, 18 माइनस 4, तो कितना आएगा, 14 वर्ग सेंटीमीटर है। अब वो बोले कुछ कुछ पुराने डाक टिकट इकट्ठे करो, उन्हें वर्ग वाली ग्रिड पर रखकर उनका क्षेत्रफल और परिमाप पता करो। एक मैं आपको करके बताता हूँ, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। कोई बच्चा रख सकता है इस टिकट को ग्रिड पे, एक बच्चा रख के दिखाओ, रख दिया। पहले आप मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ, 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 4 सेंटीमीटर, 4 वर्ग सेंटीमीटर। और परिमाप बताओ, परिमाप चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। परिमाप बताओ, परिमाप कैसे नापेंगे हम, बाहर की बाउंड्री नापते ना परिमाप में, तो नाप यहाँ से लेके पूरा घुमा के यहाँ तक 8। कितना हो गया परिमाप, 8। तो परिमाप हम यूनिट में बताओ, 8 सेंटीमीटर इस टिकट की, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक ग्रिड बनाओगे,
आपकी जो मैथ्स वाली जो नोटबुक है ना उसमें ये बने हुए पहले से ग्रिड्स, तो ग्रिड्स में आप टिकट इकट्ठे करोगे, कोई से भी टिकट, जरूरी नहीं है डाक टिकट ही, आप कोई से भी टिकट इकट्ठा कर सकते हो, आप बस की टिकट इकट्ठा कर सकते हो, आप ट्रेन की टिकट इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, आप नोट इकट्ठा कर सकते हो, नोट तो सबके पास है ना, वन का नोट, टू का, फाइव का, फिफ्टी का, उन नोटों को भी हम इन ग्रिड्स पे रख के देख सकते हैं कि वो कितना एरिया घेरते हैं, ठीक है, कर लोगे? यस सर। ओके।